नमस्कार, जय माता दी। हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं शुगर वालों के लिए आदर्श सब्जी लेकर आई हूँ जो शुगर को नेचुरली कंट्रोल करती है। पत्ता गोभी खाना हर कोई पसंद नहीं करता, इसमें कोई खास टेस्ट नहीं होता और ना ही खुशबू होती है। यदि आपको शुगर है तो यह सब्जी आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। पत्ता गोभी शुगर को नेचुरली कंट्रोल करती है। पत्ता गोभी में कैलोरी बहुत ही कम होती है और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। पत्ता गोभी ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखती है। जब शुगर अधिक बढ़ जाती है तो किडनी को काम करने में समस्या होती है। अगर शुगर लेवल ठीक है तो किडनी भी आसानी से काम करती है। और सब्जी बनाते और उससे पहले तमाम शुगर वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ, सैर हर रोज करें 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को, आलस्य बिल्कुल ना करें। क्योंकि बहुत से भाई बहन सोचते हैं कल से सैर करेंगे, परंतु ऐसा ना करें। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अब बनाते हैं पत्ता गोभी की सब्जी जो शुगर कंट्रोल करने में कारगर साबित होती है। इसे कोई खाए या ना खाए, परंतु शुगर वालों के लिए आदर्श सब्जी है। ये देखिए पत्ता गोभी जो हमने धोकर रखी है, इसको एक बार साबुत धोना। अब इसको काट लेते हैं। ये देखिए ऊपर वाला छिलका इसका उतार देते हैं। अब इसको काट लेते हैं, ऐसे बीच से काट लेते हैं। अब इसके छोटे छोटे ऐसे पीस बना लेते हैं। देखिए छोटे छोटे कच्चे काट लेते हैं। अब इसको ऐसे काट देते हैं। ये देखिए इसे जल्दी कट जाती है। देखिए फटाफट कट जाती है। अब इसको भी ऐसे काट लेते हैं। और ये जो बीच की डंडी है ये नहीं डालनी, इसको भी ऐसे काट लेते हैं। ये देखिए हमारी पत्ता गोभी सारी कट चुकी है। अब इसके लिए हमें और क्या क्या सामग्री चाहिए जान लेते हैं। एक प्याज बारीक कटी हुई, 2 कली लहसुन की बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च जो हमने बारीक काट के रखी हुई है, साबुत जीरा, नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और तड़के के लिए सरसों का तेल। अब हम गैस ऑन करते हैं और गैस पर कढ़ाई रखते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। देखिए बिल्कुल थोड़ा, और ये हींग। अब सबसे पहले हम 1/2 चम्मच जीरा डालते हैं, साबुत जीरा। अब इसके बाद 1 चुटकी हींग डालते हैं। देखिए अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। इसके बाद डालेंगे बारीक कटी प्याज। इसको हल्का ब्राउन करना है। देखिए ऐसे चलाते रहते। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसके बाद डालेंगे हम इसमें पत्ता गोभी। ये देखिए पहले इसमें थोड़ा पानी डाल लेते हैं। अब इसको पानी से निकाल के और इसमें डाल देते हैं। अब हम डालेंगे हरी मिर्च जो हमने बारीक काट के रखी है, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालते हैं और नमक स्वाद के हिसाब से डालते हैं। अच्छी तरह से इसे चलाते और 2 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। अभी देखिए 2 मिनट के बाद अब हम इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। ये देखिए 2 मिनट के बाद ये नरम हो जाते हैं। अब इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे, इसको फिर से ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। उसको बीच बीच में ऐसे चलाते रहते हैं। देखिए उसको तब तक पकाना है, ये देखिए जब तक अच्छे से गल नहीं जाते। देखिए उसको 1 मिनट के लिए और ढक देते हैं। अभी देखिए हमारी पत्ता गोभी की सब्जी
बिल्कुल तैयार है। ये देखिए अच्छे से गल चुकी है। अब गैस ऑफ कर देते हैं, इसको परोसते हैं। ये देखिए शुगर वाले भाई बहनों के लिए आदर्श सब्जी बिल्कुल तैयार है। और आप इस सब्जी का एक कटोरी हर रोज सेवन करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। जय माता दोस्तों।